हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल बासु में आपको स्वागत है। तो दोस्तों, जो पंखा देख रहे हो वो पंखा तो घूम रहा है, लेकिन उसका अंदर से ज़्यादा साउंड आ रहा है। तो आपको एक बार चला के भी दिखा देते हैं। देखो पंखा घूम रहा है, लेकिन ज्यादा साउंड आ रहा है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं, तो आज की वीडियो में हम वही दिखाऊंगा। तो उससे पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को अभी तक तो सब्सक्राइब नहीं किए तो आपको रेड कलर के सब्सक्राइब बटन मिल जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ऑल पे दबा दीजिए। तो ऐसा कोई ना कोई वीडियो मैं रोज डालता हूँ, तो सब्सक्राइब करोगे तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये ओरिएंट कंपनी का मॉडिफाई फैन है, तो उसको खोलना पड़ेगा और उसको खोलने का प्रोसेस थोड़ा सा अलग होगा। और इस फैन को बहुत सावधानी से खोलना पड़ता है, नहीं तो उसको जो क्रिप्ट होता है ना, ये क्रिप्ट ये टूट जाता है। तो सबसे पहले साइड की तरफ आपको एक दो और तीन तीन नट आपको साइड साइड की तरफ है, ये नट को पहले खोल लेना है। फिर आपको ऊपर की तरफ तीन नट दिखेगा, एक दो और तीन, ये तीन नट को आपको खोलना है। और जो ये नट देख रहे हो ना, ये खोलने का कोई जरूरत ही नहीं है, ये ब्लेड का नट है तो उसको मत खोलिए। फिर आपको कनेक्टर खोलना है। तो कनेक्टर खोलने की बात, आपको जो कॉइल से कनेक्शन आया हुआ है उस कनेक्शन को आपको एक बार देख लेना है, कौन सा कलर तार है और किधर से लगा हुआ है, तो एक बार आपको देखना है फिर आपको खोल देना है। कॉइल की तरफ से तीन आ रहा है, एक व्हाइट वाला, दूसरा रेड वाला, तीसरा ब्लू वाला, ठीक है। तो आपको एक बार देख लेना है फिर आपको खोल देना है। जो रेड वाली और ब्लू वाली वायर पे कैपेसिटर था और व्हाइट वाले वाला कॉमन वायर था, तो आप खोल देते हैं। इधर स्प्रिंग रहता है और ये कॉइल है। तो दोस्तों, हम जो बोल रहे थे आगे से, इसका अंदर जो पार्ट्स लगा हुआ है, ये ओरिएंट का मॉडिफाई फैन है, तो इसका अंदर जो पार्ट्स है वो आम फैन की तरह नहीं है, अलग तरीका की पार्ट्स है। जैसे देखो, उसका जो मैं क्रिप्ट बोल रहे थे, क्रिप्ट से कुछ नहीं है, जस्ट ये ऐसा ही है। और उसका अंदर जो मोटर का अंदर से हाउसिंग रहता है, एक हाउसिंग है और हाउसिंग पे बियरिंग लगा हुआ है। और ये तो आप कॉइल दिख रहा है,
तो जैसा फैन पे होता है हम फैन पे, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा अलग तरीका की है। तो आपको पार्ट्स के बारे में तो बता दिया, फिर आपको प्रॉब्लम क्या पे हो रहा है तो आपको एक बार भी दिखाते हैं, उसको रिपेयर करते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट वाली होते हैं बियरिंग, आपको एक बार बियरिंग आपको चेक कर लेना है। देखिए ये बियरिंग पे आवाज़ आ रहा है, साउंड आ रहा है, तो उसको हमको चेंज करना है। तो ये वाला बियरिंग को भी हम चेक करते हैं। तो देखो इसके भी साउंड आ रहा है, तो इसको खोलना है। तो उसको खोलने के लिए ये तीन वायर को सैप के अंदर से डालना है। तो ये काटा हुआ सैप नहीं है, जुड़ा हुआ सैप है, तो बहुत सावधानी से वायर को निकालना है, नहीं तो ये वायर टूट जाएगा। तो दोस्तों ये वाला बियरिंग भी खराब हुआ है, ये जैम हुआ है, तो उसको चेंज करना पड़ेगा। तो हम फिर एक बार सैप को देख चेक करते हैं। तो सैप का इस प्लेस पे और ये वाले प्लेस पे बियरिंग रहता है, तो हम चेक करते हैं बियरिंग प्लेस ठीक है कि नहीं। दोस्तों देखो ये वाली प्लेस जो है ये तो थोड़ा सा सैप खो गई है। और ये वाली प्लेस बिल्कुल ठीक है, मतलब पहले हम बियरिंग को फिटिंग करते हैं, बाद में सैप को एक बार देखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखो ये बियरिंग आसानी से इधर घुस जा रहा है, मतलब सैप थोड़ा सा खो गया है, उसको हम अभी बीट कर देंगे। और बाद में जब भी दो साइड खराब होगा तो हम उसको चेंज कर देंगे, अभी हम उसको चेंज नहीं करेंगे। अभी हम ये वाला बियरिंग और ये वाला बियरिंग को चेंज करेंगे, उसको फिटिंग कर देंगे, और उसका जो साउंड का प्रॉब्लम था वो बिल्कुल सही हो जाएगा।